मेरा नाम मनोज भागवतम। इस स्क्रिप्चर ट्यूटोरियल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट मतलब पादप, किंगडम का मतलब है जगत, अर्थात पादप जगत में ऐसे कितने पौधे हैं जो इनको इस जगत के दौरान अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे कि इस पादप जगत को हम मुख्यतः तीन भाग में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा जैसे इसका नाम है उसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी है। थैलो, थैलो को दो भाग में बांटिए, जैसे थैलो और प्लस फाइटा। थैलो का है थैलस, अब फाइटा है प्लांट। ऐसा पौधा जो थैलस के आकार का हो, अर्थात आपस में उलझे हुए संरचना के रूप में दिखाई दे, उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइटा। इनके अंतर्गत आने वाले मेंबर पुनः आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया। इसका कैरेक्टर यह है, ये तीनों प्लांट हैं, पौधे का कोई भी भाग को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत इन्हें हम पांच भाग में नहीं बांट सकते हैं। वही चीज यहां भी है, इन्हें भी हम पांच भाग में नहीं बांट सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तीन भाग में सिर्फ बढ़ सकता है, जैसे एल्गी में स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा पांच का सिल्क है, रेशम कहा जाता है। इस स्पाइरोगैरा का प्लांट को ले लीजिए और इन्हें पौधे की तरह पांच भाग में बांटिए, तो पांच भाग में ये नहीं बटेंगे, ये बटेंगे लीफ में या रूट में या स्टेम में। इनका रूट थैलस, लीफ क्लोरोप्लास्ट और स्टेम राइजोम। इन तीन कैटेगरी में इस एल्गी को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह फंगस है, फंगस में क्लोरोफिल न पाए जाने के कारण ये होता है पैरासिटिक नेचर का। ठीक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक तरह से ये जूलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्लांट के अंतर्गत रख दिए गए हैं। जैसे बैक्टीरिया में का सेल देखा जाए, अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस, इसे जीनोम भी कहते हैं, और इनके चारों तरफ पाए जाते हैं एक कोट जिसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कैरेक्टर जूलॉजी के कैरेक्टर दिखलाते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत बैक्टीरिया में कुछ ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जिनके कारण ये प्लांट के नेचर में चले जाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है क्लोरोफासी, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट के केस में जाता है क्योंकि इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल मिलने के कारण ये बैक्टीरिया सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है।